इन्होंने बोला कि सर आपको अभी एडवांस में आपको जमा कराना पड़ेगा ये, जबकि मैंने इनको ये दिखाया भी कि सर मेरा 19 जुलाई ड्यू डेट है। हमारा करंट मंथ का जो है बिल वही पेंडिंग रह रहा है। अभी मैं काउंटर पे गया था, मेन काउंटर पे, वहाँ से मेरे को बोला कि आप 26 नंबर काउंटर पे जाओ, वहाँ पे गया तो उधर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मेरे को। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की जनता बिजली के बिलों को लेकर परेशान नजर आ रही है। ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं और लगातार जानकारी आ रही है कि दिल्ली में मौजूदा हर NDPL ऑफिस और पावर सप्लाई ऑफिस के सामने लोगों की भीड़ उमड़ गई है। और ऐसी हमें जानकारी कल प्राप्त भी हुई थी, इसी को लेकर आज हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के NDPL ऑफिस के बाहर, इस समय डिस्ट्रिक्ट पार्लर के बाहर मौजूद है। यहाँ हमारे साथ जनता मौजूद है। तो सर, आपकी क्या परेशानी है जो आप लेकर यहाँ पर आए थे ऑफिस में? मेरा अभी जो करंटली ड्यू है अमाउंट वो 50,000 रुपीज है। इसकी जो मेरी ड्यू डेट है वो 19 जुलाई है, बट इन्होंने मेरा कनेक्शन काट दिया है यहाँ पर। अभी मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, अब मैं इनके पास आया हूँ अपना रिकनेक्शन कराने के लिए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपको पहले अपना ही सारे अपना ड्यू जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। अभी इसका ड्यू डेट 19 जुलाई है, मैं आपको इसमें दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए 19 जुलाई है इसका। आप देख सकते हैं किस तरह से दिखा रहे हैं ड्यू डेट 19 जुलाई और यहाँ पे अमाउंट 50,000 लिखा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर से इनको ये रिस्पांस मिला है जब ये वहाँ पर मदद के लिए गए कंज्यूमर सेंटर में, कि अगर वो अपना बिल अभी नहीं भरेंगे तो इनका कनेक्शन ऑलरेडी कट चुका है, वो कनेक्शन जुड़ेगा, जबकि ड्यू डेट वहाँ पर 19 जुलाई और आज तारीख आपको पता है 10 जुलाई है, 11 जुलाई है। हाँ जी, 11 जुलाई और 19 का ड्यू डेट है। तो उसके अलावा उन्होंने क्या बोला आपको, कोई ऐसी तसल्ली आपको दी या कोई क्या बात कही आपको? इन्होंने मेरे को डायरेक्टली मना कर दिया। मैंने इनको यही बोला है कि सर मैं अभी 1-2 दिन में इसको करा दूंगा अपना बिल डिपॉजिट, बट इन्होंने मेरे को क्लियरली मना कर दिया है। इन्होंने बोला कि सर आपको अभी एडवांस में आपको जमा कराना पड़ेगा ये, जबकि मैंने इनको ये दिखाया भी कि सर मेरा 19 जुलाई ड्यू डेट है, बट इन्होंने मैं साफ मना कर दिया उस चीज के लिए। और आपका कनेक्शन कब कटा? कनेक्शन मैम मेरा हो गया है 10 तारीख को। 10 तारीख को कनेक्शन कटा, ड्यू डेट 19 तारीख और आज 11 तारीख है। और ये रिस्पांस अभी अंदर ऑफिशियल वर्कर्स और ऑफिशियल जो लोग हैं अंदर उनसे मिला है। आप क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले पे? मैडम मैं तो पहले भी आ चुका था अभी दिया के आने से पहले, लेकिन इन्होंने मेरे को सेम डिसीजन दिया है कि आप पूरा बिल जमा कीजिए, उसके बाद ही आपका कनेक्शन दोबारा से जोड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा, ऐसा पहले भी कभी देखने को मिला कि इसी बार ऐसा हो रहा है? मतलब पहले कभी ऐसा कोई ड्यू डेट से पहले कनेक्शन कट गया है और बिल भरने के लिए कह रहे कि ड्यू डेट से पहले भरो? नहीं मैडम, ऐसे पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन इसी बार हो रहा है। जैसे अपना एक बिल होता है कि हमें 19 तारीख को जमा करना होता है, तो 19 तारीख से इन जो ये नोटिस देते हैं उस पे साफ लिखा रहता है कि नोटिस भेजने के 15 दिन के बाद हमें पे वो पेमेंट करनी ही करनी है। अगर 15 दिन के अंदर हमने नहीं की तो वो कनेक्शन काट सकते हैं। तो उसमें हमारा कुछ बैलेंस रह गया था 4-5 हज़ार रुपये, तो हमने उसको डिपॉजिट कर दिया। अब हमारा करंट मंथ का जो है बिल वही पेंडिंग रह रहा है, उसकी जो ड्यू डेट है 19 तारीख की है। हमने पुरानी पेमेंट तो पूरी कर दी, लेकिन अब जो करंट में इतना अमाउंट हम एक बार में तो ले आ नहीं सकते, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम पूरा जमा करेंगे तभी फिर दोबारा कनेक्शन होएगा। क्या आपके साथ पहले ऐसा कभी हुआ है या इसी बार हो रहा है? इसी बार हो रहा है। इससे पहले भी इशू आते थे, कभी वहाँ से फोन आता था NDPL से कि भाई आप अपना बिल जमा करा दीजिए वरना आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, जो वहाँ के जो लोकल जो अपना मीटर रीडिंग चेक करते हैं, बट ये इसी बार हो रहा है। और इनको अंदर जाके मैं कह रहा हूँ, अभी मैं काउंटर पे गया था मेन काउंटर पे, वहाँ से मेरे को बोला कि आप 26 नंबर काउंटर पे जाओ, वहाँ पे गया तो उधर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मेरे को। वो भी सेम चीज कह रहे हैं कि आप अपना पूरा डिपॉजिट जमा कराओ इसको, बैलेंस को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। जैसे कि देखा हमने यहाँ पे जनता से बातचीत करी, जनता इस समय परेशान है और ये बात कह रही है कि ड्यू डेट से पहले ही बिल भरने के लिए, एडवांस में बिल भरने के लिए फोर्स किया जा रहा है, कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। आपका क्या सोचना है जरूर बताया, बताइए। बने रहे हमारे साथ पंजाब के स्कूल में, मान्य के साथ कुछ पंजाब के स्कूल।